धनवंतरी हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने दूरबीन विधि के द्वारा महिला के बच्चेदानी का किया सफल ऑपरेशन। कानपुर के धनवंतरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल लगातार अपनी बुलंदियों को छूता जा रहा है, जिसके चलते एक बार फिर से धनवंतरी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर के द्वारा 70 वर्षीय श्यामा देवी के बच्चेदानी के कैंसर का दूरबीन विधि के द्वारा ऑपरेशन कर उसको नया जीवन देने का काम किया गया। श्यामा देवी पिछले कई सालों से बच्चेदानी के कैंसर से परेशान थी, जिसके चलते हुए धनवंतरी हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर अरुण प्रकाश द्विवेदी के द्वारा कानपुर में पहली बार दूरबीन विधि से महिला का सफल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन देने का काम किया गया। सर, किस तरीके का पेशेंट था और कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था उसको सही करना? ये बच्चेदानी के मुंह के नीचे का कैंसर था और पेशेंट काफी समय से परेशान था। ओपन विधि से तो लगभग हम लोग 1000 सर्जरी ऑलरेडी सक्सेसफुल कर चुके हैं, जिसे हम लोग वर्धायम हिस्टरेक्टमी विद बायलेटरल पेल्विक नोड डिसेक्शन भी बोलते हैं। अमूमन ये नॉर्मल हिस्टरेक्टमी से हटके होती है, कैंसर की सर्जरी होती है, पर परंतु हम लोगों ने इस बार प्रथम लैप्रोस्कोपिक विधि से पूरा वर्धायम हिस्टरेक्टमी किया और साथ में पेशेंट स्वस्थ है और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा है, और हमें लगता है कि इसी तरीके से अब दूरबीन विधि से हम लोग कैंसर में नए आयाम को छुएंगे और इस तरीके से और भी अन्य प्रकार की कैंसर सर्जरी को भी हम दूरबीन विधि से सफल बनाएंगे। तो यह अन्य माताओं से भी निवेदन है, यदि उन्हें नीचे से कोई भी गंदी बदबूदार पानी आता है और ऐसे में यदि कोई भी शिकायत है तो अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और एक पैप स्मीयर की जाँच कराएँ। धनवंतरी में यह जाँच लगभग निःशुल्क है, साथ में यहाँ पे स्क्रीनिंग की सुविधाएं हमेशा रहती हैं और ऐसे मरीज जो कि अर्ली स्टेज में आते हैं काफ़ी कम दरों में हम उनका इलाज भी करते हैं। तो आप लोगों को यही बताना चाहेंगे कि ये लैप वर्धायम हिस्टरेक्टमी हम लोगों ने शायद प्रथम पहला लैप्रोस्कोपिक कैंसर सर्जरी करके यूट्रस निकाला है और आगे भी करते रहेंगे, और उन महिलाओं से निवेदन भी है कि जिनको ये सब दिक्कतें हैं वह अवश्य जल्दी स्टेज पर आएँ, जिससे कि इस सर्जरी का लाभ ले सकें और कानपुर को आगे बढ़ाएँ हम लोग कैंसर। क्या लगता है एक बड़ा टिफिकल मामला था जिस तरीके से हैंडल किया आप लोगों ने? जी बिल्कुल, माताजी चूंकि काफ़ी एजेड थी, लगभग 70 साल टच थी उनकी उम्र, और हम लोगों को डिसीजन प्लस माइनस हो रहा था, पेशेंट्स भी काफ़ी पुअर था, फिर भी हमने सारी चीज़ों को कंसीडर करते हुए और हमारे एनेस्थेटिक डॉक्टर ने भी इसमें काफ़ी अच्छा सहयोग दिया, पेशेंट्स को बखूबी नॉर्मल जो हमारा 3-3.5 घंटे लगता 4 घंटे में हम लोगों ने लैप्रोस्कोपिक विधि से इस कैंसर को सफलता से अपना कंप्लीट किया।